नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक और सक्सेसफुल क्लाउड किचन की स्टोरी को। और जो ये स्टोरी है वो आई है गोवा से। जी हाँ, गोवा से ये स्टोरी है। और ये स्टोरी है शेफ अमूरे डिसूजा की, जो कि खुद भी एक शेफ हैं और इस फील्ड से ही रिलेटेड करते हैं। इनका पूरा का पूरा जो फैमिली बिजनेस है, लगभग 1990 से ये लोग इसी बिजनेस में हैं। इनके रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स हैं गोवा के अंदर। अगर आप गोवा में हैं तो प्लीज़ इनके आउटलेट्स पे खाना जाके जरूर खाइएगा। आप मेरा नाम ले सकते हैं, आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो चलिए, शेफ अमूरे की बात करें तो ये बहुत ही यंग है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। और इन्होंने अपनी इनोवेशंस का अगर हम लोग बात करें, इनोवेशंस यूज़ करके अपने क्लाउड किचन पे अपने कई सारे ब्रांड्स रेडी कर लिए हैं। अगर इनकी स्टोरी की बात करें तो इनका बॉर्न एंड ब्रॉटअप जो ये गोवा में ही है। इसके बाद इनकी जो पढ़ाई है वो डॉन बोस्को से हुई है। इसके बाद इन्होंने IHM बैंगलोर ज्वाइन किया, जहाँ के लगभग इन्होंने 3 साल बिताया। और वहीं उस दौरान इनको MD मैनेजमेंट ट्रेनी, जो कि एक बहुत ही, अगर हम लोग एक होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं तो हर किसी का सपना होता है मैनेजमेंट ट्रेनी चुना जाना, इनको मैनेजमेंट ट्रेनी चुन लिया गया। और चुना भी इन्हें किसे, ताज ने। ताज पंजिम गोवा में है, वहाँ पे इन्हें मैनेजमेंट ट्रेनी चुन लिया गया। लगभग 2 साल इन्होंने बिताए। इन्होंने किचन के हर डिपार्टमेंट में काम करा, चाहे वो इंडियन हो, एशियन हो, पर जो इनकी इनको जो अच्छा लगा वो सबसे ज़्यादा एशियन कुजीन ही था। तो एशियन कुजीन इनके मन को बहुत ही ज़्यादा भाता है। इसके अलावा इन्होंने कई सारे अलग डिपार्टमेंट्स, जैसे कि हमारे फाइनेंस हो गया, KST हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, क्योंकि मैनेजमेंट ट्रेनिंग को ये सब कुछ सिखाया जाता है, ये सारी चीज़ें सीखी और वापस से ये अपने फैमिली बिजनेस में आ गए। सब कुछ अच्छा चल रहा था, इनके ऑलरेडी 5 रेस्टोरेंट चल रहे थे, पर कोविड ने हिट करा, जैसे कि पूरी दुनिया को कोविड ने हिट करा। तो इनको इस समय फिर से एक मौका मिला, बोल दीजिए, या एक इनके लिए अपॉर्चुनिटी थी, किस प्रकार से जो भी इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की थी, जो भी इनके पास एजुकेशन थी, उसका यूज़ करके किस तरीके से ये अपने बिज़नेस को आगे रन करें, क्योंकि बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा नुकसान में जा रहा था। इस दौरान इनकी मेरे से भी मुलाकात हुई। इन्होंने मेरे भी कोर्स एनरोल्ड करके रखा है, ये मेरे कोर्स के एनरोल्ड मेंबर ही हैं। इवन इन्होंने मुझे पूरा ईयरली का जो मेंटरशिप प्रोग्राम है, इन्होंने उसमें इनरोल करा है। इन्होंने अपनी एक कंपनी स्टार्ट करी जिसका कि नाम क्लाउड खाना है, और उसके अंदर कई सारे ब्रांड है। इनके याकी सुशी ब्रांड है, इनके याकी सुशी एक इनका एक मेन मेजर ब्रांड है, जिसके कि अंदर ये काफ़ी सारे अलग अलग सेगमेंट्स हैं इनके। मैं आपको उनके नाम भी ले देता हूँ। इसमें अपने एशियन कुजीन, अपनी थाई कुजीन, जैपनीज कुजीन सर्व करते हैं। इसके अंदर ये लोग नूडल मी अप, सुशी रोल्स, बेंटो मील्स, डिंग डोंग DIY, ये काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि ये इसके अंदर चलाते हैं। इसके अलावा आलू संगदोला, जो कि इनकी दूसरा ब्रांड है, जो कि आपका बोल सकते हैं गोन खाना और इंडियन खाने को प्रमोट करते हैं यहाँ पे ये। इसके अंदर इंपीरियल मसाला, की टू हैप्पीनेस, कटलेट प्लाव, ग्लोबल ईट्स आता है। तो इनके लगभग 13 करीब ब्रांड है। मैं सबकी धीरे धीरे आपको यहाँ फोटो भी चल जाएगी स्क्रीन पे। ये सारी चीज़ें एक फिलहाल कर रहे हैं। अब इनका मेन मोटो यही है कि जो इनके पास समझ है, सीख है, उसको किस तरीके से अपने फैमिली बिजनेस के साथ जोड़ा जाए और बिज़नेस को आगे ग्रो किया जाए। अब इनका ऑलरेडी एक जगह सेटअप हो चुका है। अब यही अपने ये बाकी के जो 4 रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे भी ले जाने वाले हैं। इसके बाद ये देखेंगे कि इन्हें किस प्रकार से इसी मॉडल को आगे फ्रेंचाइजी करनी है या अपने बिज़नेस को आगे कैसे बढ़ाना है। इसके अलावा ये जो अब इनके जो सुशी रोल्स हैं, आप गोवा के मॉल्स में भी खा सकते हैं। ये अपने जो सुशी रोल्स हैं वो गोवा के बड़े बड़े जो मॉल्स हैं वहाँ पे सप्लाई करते हैं, आप डायरेक्ट भी वहाँ से जाके ख़रीद सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से अपने अपनी समझ का, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने बिज़नेस को धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, ये BNI के मेंबर भी है। BNI एक ऑर्गेनाइजेशन बोल दीजिए, जिसमें अपने रेस्टोरेंट, क्लाउड किचन बिजनेस के लोग हैं, आपस में मिलते हैं, वीकली इन लोगों की मीटिंग्स होती हैं और अपने अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं और किस तरीके से बिज़नेस को आगे प्रमोट किया जाए। हर कोई अपने आइडियाज़ देता है, लोग अपने आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करते हैं। ये बहुत ही एक, आप बोल दीजिए, बहुत ही टैलेंटेड है, यंग है और इनके पास ग्रोथ करने की पोटेंशियल है, क्योंकि इनको सीखना है। इवन जैसे मैं भी शेफ़ हूँ, तो इन्होंने मेरे साथ इसलिए ही टाई अप्स करे क्योंकि इनको लगा कि मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ। अभी इनका काफ़ी बिजनेस अच्छा चल रहा है। कोविड के समय पे भी अगर मैं इनके बात करूँ, इनके अकाउंट्स की, तो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि मैं ही इनके अकाउंट्स भी चेक करता हूँ, मैं देखता हूँ इनके अकाउंट्स। तो ये सारी स्टोरी थी हमारी आज हमारे गोवा से शेफ अमोरे की। और मैं चाहूँगा, मैं दिल से, मेरी ये इच्छा है कि ये अपना बिज़नेस बहुत आगे लेके जाएं। जल्द ही इनका जो एक ब्रांड है, एक जगह है, वो इनके दूसरे आउटलेट्स पे भी पहुँचे
और लगभग इंडिया के हर कोने में पहुंचे ताकि हम लोग भी गोवन फूड का टेस्ट ले पाए। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। या आप भी चाहते हो मेरे क्लाउड किचन के कोर्स को इनरोल करना, मेरे मेंटरशिप प्रोग्राम के बारे में जानना तो आप मुझे नीचे पिन कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप का नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा भी अगर आप इनरोलमेंट भी नहीं चाहते, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक फ्री डाउट क्लास मिल जाए, आपके 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 जो भी मन में डाउट्स हैं क्लाउड किचन को फूड बिजनेस से लेके आपको वो क्लियर हो जाए, तब भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।